हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अष्टमी नवमी की सही तिथियां, दशहरा कब होगा, कलश विसर्जन कब किया जाएगा और साथ ही जानेंगे कलश के जल का क्या करना है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। नवरात्रों में अष्टमी और नवमी तिथि कन्या पूजन के लिए विशेष होती है। इस बार अष्टमी नवमी पर रवि योग होने से ये दोनों ही तिथियां बहुत ही खास होने वाली हैं। आज हम आपको इस साल अष्टमी नवमी की सही तिथियां, दशहरा कब होगा, कलश विसर्जन कब किया जाएगा और कलश के जल का क्या करना है, इन बातों के बारे में बताएंगे। आइए जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी व महानवमी 2022 की शुभ तिथियों के बारे में। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर को शाम 6:47 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर को शाम 4:37 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर को शाम 4:37 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 पर। इस बार उदयातिथि के आधार पर दुर्गा अष्टमी व्रत 3 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। नवमी पूजन 4 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं दशहरा या विजयदशमी 2022 के बारे में। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 पर। दशमी तिथि का समापन होगा 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे। इस साल दशहरा या विजयदशमी 5 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। दशहरा विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:07 से दोपहर 2:54 तक। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं वे विजयदशमी के दिन पारण कर व्रत पूरा करते हैं। विजयदशमी के दिन देवी अपराजिता की पूजा होती है। आइए जान लेते हैं कलश विसर्जन कब करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन स्थापित की जाने वाली माता की चौकी को दशमी तिथि के दिन हटाना शुभ होता है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि दुर्गा माँ के 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। हालांकि आप अपने यहाँ की मान्यता अनुसार भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कलश के जल का क्या करें। नवरात्रि के पहले दिन लोग अपने घरों में कलश स्थापना कर माँ का आवाहन करते हैं। शास्त्रों में कलश पूजन का खास महत्व है। कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में महेश तथा मूल में ब्रह्मा जी का निवास और कलश के मध्य में समस्त दैविक मातृ शक्तियाँ निवास करती हैं। अपने यहाँ की मान्यता अनुसार आप अष्टमी, नवमी या दशमी के दिन जब भी कलश विसर्जन करें तब मंदिर में स्थापित कलश के जल को हाथ में लेकर अपने घर के चारों कोनों या दिशाओं में अच्छी तरह से छिड़क लें, क्योंकि इस जल कलश में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। कलश के जल और अन्य सामग्री को तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड़ पौधों को अर्पित कर दें। जो सिक्का आपने कलश में डाला था उसे आप अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। जय माँ दुर्गा।